राजसी वेशभूषा में सिंधिया परिवार निकला है। गोरखी पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, शस्त्र पूजन के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर पहुंचे और देखिए राजसी ठाट बाट में महाअरिमन सिंधिया भी नजर आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ये लग रहा है पल। और राजसी ठाट बाट में पूरा वेशभूषा आप देखिए, राजसी वेशभूषा में परिवार के साथ सिंधिया पहुंचे हैं और साथ ही युवराज महानार्यमन भी राजसी वेशभूषा में नजर आए हैं। देवघर में रियासतकालीन शस्त्र पूजन किया जा रहा है और इस मौके पर सिंधिया परिवार राजसी वेशभूषा में नजर आया। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीर जहां राजसी वेशभूषा में आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया तो नजर आ ही रही हैं, लेकिन युवराज महान आर्यमन सिंधिया भी यहां पर मौजूद हैं। शस्त्र पूजन के लिए सिंधिया पहुंचे हैं। बड़े ही स्तर पर इस बार मध्य प्रदेश में शस्त्र पूजन किया जा रहा है। राजसी वेशभूषा में सिंधिया परिवार निकला है। गोरखी पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, शस्त्र पूजन के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर पहुंचे और देखिए राजसी ठाट बाट में महाअरिमन सिंधिया भी नजर आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ये लग रहा है पल। और राजसी ठाट बाट में पूरा वेशभूषा आप देखिए, राजसी वेशभूषा में परिवार के साथ सिंधिया पहुंचे हैं और साथ ही युवराज महानार्यमन भी राजसी वेशभूषा में नजर आए हैं। देवघर में रियासतकालीन शस्त्र पूजन किया जा रहा है और इस मौके पर सिंधिया परिवार राजसी वेशभूषा में नजर आया। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीर जहां राजसी वेशभूषा में आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया तो नजर आ ही रही हैं, लेकिन युवराज महान आर्यमन सिंधिया भी यहां पर मौजूद हैं। शस्त्र पूजन के लिए सिंधिया पहुंचे हैं। बड़े ही स्तर पर इस बार मध्य प्रदेश में शस्त्र पूजन किया जा रहा है। राजसी वेशभूषा में सिंधिया परिवार निकला है। गोरखी पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, शस्त्र पूजन के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर पहुंचे और देखिए राजसी ठाट बाट में महाअरिमन सिंधिया भी नजर आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ये लग रहा है पल। और राजसी ठाट बाट में पूरा वेशभूषा आप देखिए, राजसी वेशभूषा में परिवार के साथ सिंधिया पहुंचे हैं और साथ ही युवराज महानार्यमन भी राजसी वेशभूषा में नजर आए हैं। देवघर में रियासतकालीन शस्त्र पूजन किया जा रहा है और इस मौके पर सिंधिया परिवार राजसी वेशभूषा में नजर आया। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीर जहां राजसी वेशभूषा में आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया तो नजर आ ही रही हैं, लेकिन युवराज महान आर्यमन सिंधिया भी यहां पर मौजूद हैं। शस्त्र पूजन के लिए सिंधिया पहुंचे हैं। बड़े ही स्तर पर इस बार मध्य प्रदेश में शस्त्र पूजन किया जा रहा है। राजसी वेशभूषा में सिंधिया परिवार निकला है। गोरखी पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, शस्त्र पूजन के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर पहुंचे और देखिए राजसी ठाट बाट में महाअरिमन सिंधिया भी नजर आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ये लग रहा है पल। और राजसी ठाट बाट में पूरा वेशभूषा आप देखिए, राजसी वेशभूषा में परिवार के साथ सिंधिया पहुंचे हैं और साथ ही युवराज महान आर्यमन भी राजसी वेशभूषा में नजर आए हैं। देवघर में रियासतकालीन शस्त्र पूजन किया जा रहा है और इस मौके पर सिंधिया परिवार राजसी वेशभूषा में नजर आया।
तो आप देख सकते हैं तस्वीर जहां राजसी वेशभूषा में आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया तो नजर आ ही रहे हैं, लेकिन युवराज महान आर्यमन सिंधिया भी यहां पर मौजूद हैं। शस्त्र पूजन के लिए सिंधिया पहुंचे हैं। बड़े ही स्तर पर इस बार मध्य प्रदेश में शस्त्र पूजन किया जा रहा है। राजसी वेशभूषा में सिंधिया परिवार निकला है। गोरखी पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। शस्त्र पूजन के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर पहुंचे और देखिए राजसी ठाट बाट में महाआर्यमन सिंधिया भी नजर आ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ये लग रहा है पल। और राजसी ठाट बाट में पूरा वेशभूषा आप देखिए, राजसी वेशभूषा में परिवार के साथ सिंधिया पहुंचे हैं और साथ ही युवराज महान आर्यमन भी राजसी वेशभूषा में नजर आए हैं। देवघर में रियासतकालीन शस्त्र पूजन किया जा रहा है और इस मौके पर सिंधिया परिवार राजसी वेशभूषा में नजर आया। तो आप देख सकते हैं तस्वीर जहां राजसी वेशभूषा में आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया तो नजर आ ही रहे हैं, लेकिन युवराज महान आर्यमन सिंधिया भी यहां पर मौजूद हैं। शस्त्र पूजन के लिए सिंधिया पहुंचे हैं। बड़े ही स्तर पर इस बार मध्य प्रदेश में शस्त्र पूजन किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं तस्वीर हमारे सभी प्रदेश और देश के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सत्य की जीत का दिवस है, ये न्याय की जीत का दिवस है और हम सब आज इस दिवस पर प्रेरणा लें, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए विकास और प्रगति में एक एक नागरिक अपना योगदान दे पाए, ताकि आने वाले दिनों में हमारा देश विश्व पटल पर अग्रसर हो। इसी विचारधारा से हमें अपनी पूर्ण जिंदगी बितानी चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं दशहरे की।